फिल्में कब से बनती आ रही हैं और शायद बनती रहेंगी। और फिल्में अलग अलग जगहों के हिसाब से बनती हैं, जहां जिस तरह के दर्शक होते हैं उसी हिसाब से फिल्मों को बनाया भी जाता है। हॉलीवुड की फिल्में अलग होती हैं, बॉलीवुड की अपनी एक अलग पहचान होती है, तो टॉलीवुड भी कुछ कम नहीं। और बॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्मों के रीमेक बन रहे हैं, या ये कहें कि बॉलीवुड टॉलीवुड की फिल्मों के रीमेक बना रहा है और टॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों के रीमेक बना रहा है, दोनों एक दूसरे को कॉपी करने में पीछे नहीं है। यूं तो पहले भी कई फिल्मों के रीमेक बनते आए हैं, लेकिन तब इतना पता नहीं होता था क्योंकि फिल्में बस अपने अपने जोन तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अब तो फिल्मों का स्तर काफी बढ़ गया है और फिल्मों को अक्सर बाकी देशों और राज्यों में भी रिलीज किया जाता है, जिससे आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री मानो जुड़ी हुई सी लगती है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। दरअसल आपने बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्म देखी होंगी जो कि तमिल और तेलुगु फिल्मों का रीमेक है, और अगर अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कबीर सिंह से बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जो कि अर्जुन रेड्डी का रीमेक है और फिल्म ने कमाल का बिजनेस किया है और ये फिल्म लोगों को बेहद पसंद आ रही है। लेकिन हम आज बात करेंगे बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों की जिनका टॉलीवुड में रीमेक बना। तो आज हम आपको बॉलीवुड की उन 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका टॉलीवुड में रीमेक बनाया गया। सबसे पहले बात करते हैं साल 2003 में आई संजय दत्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुन्ना भाई MBBS। इसने बॉक्स ऑफिस पर तो झंडे ही गाड़ दिए थे और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी या जिसे ये फिल्म पसंद नहीं आई होगी। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था और आज तक फिल्म के मुन्ना और सर्किट की जोड़ी सभी को याद है। काफी मशहूर जोड़ियों में से एक मानी जाती है ये बॉलीवुड की। इसके बाद हालांकि लगे रहो मुन्ना भाई भी आई, उसको भी लोगों का बहुत प्यार मिला। अब आपको बता दें कि साल 2004 में तमिल सुपरस्टार कमल हासन ने फिल्म का रिमेक बनाया जिसका नाम वसूल राजा MBBS था। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने करोड़ों लोगों की धड़कनों को बढ़ा दिया। और इस फिल्म में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री के बिछड़ने पर उनके फैंस नाराज हो गए, क्योंकि सब यही सोचते थे कि शायद इनका प्यार शादी के बंधन तक पहुंच जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और इनके फैंस अब भी यही सोचते हैं। और आपने सही अंदाजा लगाया, हम बात कर रहे हैं जब वी मेट की, जिसमें करीना और शाहिद ने तो दिल ही जीत लिया था। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी। तमिल में साल 2009 में इस फिल्म का रिमेक बनाया गया जो कि कंधेन काधालाई के नाम से बनाया गया, जिसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आई थी। इसके बाद बात करते हैं फिल्म कहानी की। विद्या बालन ने गजब की अदाकारी की थी इस फिल्म में। 2012 में आई इस फिल्म का भी रीमेक बनाया गया, 2014 में अनामिका। जी हाँ, इस फिल्म का रीमेक अनामिका के नाम से बनाया गया और इस फिल्म में साउथ की सुपर हिट एक्ट्रेस नयनतारा ने विद्या बालन का रोल प्ले किया। ऑल इज वेल, जी हाँ, ऑल इज वेल नहीं बल्कि ऑल इज वेल। ये तो सभी स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि लोगों को भी याद होगा और अक्सर बोलते हुए भी हमें दिख जाते हैं। इस फिल्म ने भी धमाल मचा दिया था, ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और आमिर खान ने इस फिल्म में स्टूडेंट की भूमिका निभाई थी। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा सच में। स्टूडेंट के रूप में आमिर खान ने कमाल कर दिया था। फिल्म 2009 में आई थी 3 Idiots। जी हाँ, इसका भी तमिल सिनेमा में रीमेक बनाया गया। नन्मेन इसके नाम से तमिल में इसका रीमेक बनाया गया, जिसे एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। सुपरस्टार विजय ने आमिर खान का किरदार निभाया था। और अब बात उस फिल्म की करते हैं जिसके सॉन्ग ने काफी बवाल मचा दिया था, दिल्ली बली। फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में एक्टर इमरान खान अहम भूमिका में नजर आए थे। 2003 में इसी फिल्म का रीमेक बनाया गया जो कि सिट्टई नाम से आया। तो हमने बात की आज बॉलीवुड की 5 फिल्मों की जिनका टॉलीवुड में रिमेक बना। हालांकि अभी और भी फिल्में बाकी हैं जिनका रिमेक बनाया गया, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के रिमेक्स के बारे में हम जल्द ही आपसे बात करेंगे और उन फिल्मों के रिमेक्स को बताएंगे कि कौन सी बॉलीवुड की फिल्में हैं जिनका साउथ में रिमेक बनाया गया। तो इंतजार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का।